टॉप थ्री स्मार्टफोन फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। तो भाई अगर आप 4K शूट करना चाहते हो, सिनेमैटिक शूट करना चाहते हो, व्लॉगिंग करना चाहते हो, यूट्यूब वीडियोस वगैरह करते हो या करना का सोच रहे हो, आप सभी के लिए मैं स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि आप 20,000 के बजट रेंज में ले सकते हो, 4K शूट कर सकते हो, बैक कैमरे में भी एंड फ्रंट कैमरे में भी। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आज आपको टॉप थ्री स्मार्टफोन बताऊंगा। बात करते हैं सीधा नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है रियलमी X7 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले आपको डिज़ाइन एंड लुक वगैरह बहुत सही लगने वाली है, प्लस ये फोन नया लॉन्च हुआ है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो स्मार्टफोन है Realme X7, ये 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आप 5G नेटवर्क यूज करना चाहते हो तब भी आपके लिए ये स्मार्टफोन जो है वो परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत तगड़ा है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। ठीक है, आपको 6GB रैम के साथ वेरिएंट देखने को मिलेगा, 4K वीडियो शूट कर सकते हो, प्लस आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। बैक कैमरे में सेल्फी की बात करूं, आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं, आपको Full HD+ डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। तो भाई फ़ोन देखा जाए, अगर आपने गेमिंग करनी है आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। एंड भाई अगर आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए, रियलमी का ब्रांड है तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। एंड आपको जो कैमरा है वो भी अपर देखने को मिल जाता है रियलमी X7 की, और आप जा सकते हो। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो आप चेकआउट भी कर सकते हो, अगर आपने बाय करना है तो आप बाय भी कर सकते हो। लिंक वगैरह मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली बात कर लेते हैं। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.4 इंच AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 16 के साथ आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको MediaTek Dimensity 800U देखने को मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बात करूं, आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 65W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। ठीक है, स्टोरेज की बातों को 6GB या 8GB वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन 18,000 के बजट रेंज में आपको 6GB वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको 128GB स्टोरेज मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, आपको 18,500 के बजट में Realme X7 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme X7 के, प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा भी। अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, आपके लिए भी ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। आप हार्डकोर गेमिंग नॉर्मली एंड ईजिली कर सकते हो, लॉन्ग टाइम पीरियड अगर आपने यूज़ करना है तो भी आप यूज़ भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ, या नंबर टू पर मैंने रखा है Redmi Note 10 Pro Max को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले ये 3 से 4 कलर्स में आता है, ठीक है, लेकिन इसका जो वाइट कलर है वो इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अपर है, आपको Full HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है बैक एंड फ्रंट साइड में। ठीक है, आपको 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, मतलब आपका एक दिन तो नॉर्मली निकल जाएगा। अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है, गेमिंग करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो, या अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब भी देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपके लिए भी परफेक्ट डील होने वाली है। एंड इसके कैमरे क्वालिटी की बात करते हैं, आपको कोर कैमरा शैडो देखने को मिल जाता है, वो भी 108 मेगापिक्सल के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा अपर होने वाला है। ठीक है, Redmi की ओर से बहुत अच्छा डिज़ाइन आया, एंड Note सीरीज Redmi की ओर से बहुत ज़्यादा बिकती है। ठीक है, Redmi Note 9 हो गया या Redmi Note 10 हो गया, इनके डिज़ाइन, इनके कलर वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद आपको आने वाले हैं। एंड अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, बाइंग लिंक मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने चेकआउट करना है भी आप चेकआउट भी कर सकते हो, चेकआउट करने के पैसे नहीं लगते, दिल खोल कर आप चेकआउट कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.67 इंच सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है, जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बात करूं, आपको 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूं, आपको 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ आपको कॉर्ड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिस पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS पर। सेल्फी की बातों को 16 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है, लेकिन आप सेल्फी में 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते, आपको 1080p ऑप्शन ही देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूं, ये 2 वर्ड में आता है, जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। प्राइस की बातों को 90,999 के बजट में Redmi Note 10 Pro Max देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया Redmi Note 10 Pro Max के, प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, फोटोज़ क्लिक करने के शौकीन हो, रील्स बनाने के शौकीन हो, या टिकटॉक बनाने के शौकीन हो, आप सभी के लिए बहुत परफेक्ट डील होने वाली है। कैमरे के सैम्पल्स वगैरह मैं जो फोटोज़ वगैरह आपको
वीडियोस में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आगे बात करते हैं अभी नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पे यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M31S को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ तो भाई अगर आपको एक प्रीमियम टच चाहिए आपके लिए बहुत परफेक्ट डील होने वाली है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सही है, लॉन्ग बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, मतलब आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS पर। प्लस आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। इस प्राइस रेंज में आपको 4K वीडियो शूट मिल जाना वो भी फ्रंट कैमरे में सच में मैटर करता है। एंड सैमसंग ब्रांडेड ट्रस्टेड ब्रांडेड टॉप ब्रांड में से आता है, इसकी जो प्राइवेसी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो YouTube वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सही होगा बिकॉज आपको डिस्प्ले क्वालिटी तगड़ी मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। प्लस ये दो कलर्स में देखने को मिलता है लेकिन जो ग्रे कलर इसका आता है वो इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपको गेमिंग के लिए भी स्मार्टफोन चाहिए, कैमरा भी अच्छा चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन की ओर ना जाना, ठीक है, बिकॉज आपको जो प्रोसेसर है इतना तगड़ा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको गेमिंग भी करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग भी चाहिए, तो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। एंड भाई अगर आपको सिर्फ कैमरे के अकॉर्डिंग फोन चाहिए, लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, या फिर अगर आपको डिस्प्ले तगड़ी चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है सैमसंग गैलेक्सी M31S। आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, तो दैट्स वाई इसको मैंने नंबर वन पर रखा। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ी सी डीपली बात कर लेते हैं। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को 9611 देखने को मिल जाता है जो कि इतना तगड़ा प्रोसेसर नहीं है इस प्राइस रेंज में, लेकिन भाई इसका जो डिस्प्ले है, इसकी जो बैटरी लाइफ एंड इसका जो कैमरा है वो सच में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, इसीलिए मैंने इसको नंबर वन पर रखा है। एंड आज अपना टॉपिक भी यार जो है वो कैमरे के रिलेटेड है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए ये नंबर वन पर आता है। कैमरे की बातों को क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, सेल्फी की बातों को 32 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ आपको 18,000 के बजट तक ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए सैमसंग गैलेक्सी M31S के भी, ये तीनों स्मार्टफोन कैमरे के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अपर है, ठीक है। अगर आप 2021 में कैमरे के अकॉर्डिंग जो है स्मार्टफोन लेना चाहते हो एंड अगर आपका बजट 20,000 है, जब 20,000 से भी कम है, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट डील हो सकते हैं। सभी के बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ भी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड भाई अगर मेरा रिप्लाई जल्दी नहीं आता, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैंने लिंक वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर दे फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।